सत्ता को लिए गए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आशाओं के आलोक चल रही है। उस समय भी उनकी राज्य में नहीं थी, संदेह करते कलयुग में। कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, उपयोग करते। आज हमारे समाज में सबसे पिछड़ापन क्यों है? उसका मेन कारण यह है कि यदि अनिल जी ने कोई बात कही तो मैं अपने को ऊंचा बनाने के लिए उनकी बात को काटूंगा। आज हम अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हैं। अंडर का अंतर था, यदि वो निश्चित तौर पर हमें इन सारी चीजों के विषय में सोचना पड़ेगा और सोची जा सकती है जब हम इकट्ठे बैठ करके समस्या पर गहन विचार करें, मंथन करें, इन समस्याओं पर विचार करें। यदि यहाँ से मैंने पहले कहा कॉलोनियों से विचार निकले, जिले में जाए, जिले से विचार निकल करके प्रदेश में जाए, प्रदेश से विचार निकल करके राष्ट्र में जाए। यदि कोई ऐसे मंथन निकल के आता है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो कर्म करने के लिए संगठन छोड़ा, जो आप भाइयों हम तो कहते हैं आप हमारे साथ इकट्ठा रहे, संगठित रहे, लेकिन संगठित रहने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के व्यक्तिगत कामों में भाग लेते रहे, तभी हम संगठन मजबूत होना होगा। अब मैंने मैं तन मन धन से अपने ब्राह्मण समाज के लिए खड़ा हूँ, सबको नमस्कार, धन के साथ हूँ। समाज के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति, मैं सभी को चरण वंदन करता हूँ क्योंकि मैं शायद सबसे छोटा हूँ। और जहाँ तक विप्र समाज की बात है, हमारे समाज की बात है, इसमें जो ज्ञानवान ज्ञानशीलता है उसका कोई तोड़ नहीं है। और ये मतभेद हो, मनभेद ना हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी किसी भी प्रतिष्ठित समाज में आगे बढ़ जाएं, किसी भी पद पे चले जाएं, कृपया इतना ध्यान रखें कि मेरा छोटा भाई आपका इंसान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो ये चाहूँगा कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी प्रदेश महामंत्री जी की, उन्होंने कहा कि गुण दोषों के आधार पर फैसला होना चाहिए, वो एक सबसे अच्छी बात है। चार टिकट भी आ सकते हैं, चार पद भी हो सकते हैं, मगर अगर हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ को चुनना है तो वो गुण दोषों के आधार पर ही हम किसी को चुन सकते हैं, ऐसे मेरी आशा है। दोनों तरफ से योगेश जी हो गया सरपंच बना हुआ, धन्यवाद जी, लेट आएगा तो तुम्हारा। और जब ब्राह्मण समाज में जागरूकता हो जाएगी इकट्ठा होने की, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। और मुक्ता है बोल चुके होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि कोई कारण ऐसा था कि मैं बस सभी आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि इस समाज या संगठन को, ब्राह्मण को जितना जोड़ा जाए वो जोड़ना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे ये पता नहीं था आज किस उद्देश्य से मीटिंग रखी गई है, मगर आपका आदेश हुआ तो हम हाजिर हुए। और किस उद्देश्य से रखिए तो उद्देश्य हमारा एक ही रहना चाहिए कि समाज को संगठित करना है और किसी भी तरीके से उसको संगठित होना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद, ठीक है, भगवान परशुराम जी बोल, भगवान परशुराम जी, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। मीटिंग के पीछे मकसद क्या? आज की मीटिंग के पीछे है वो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के बाबरपुर क्षेत्र के जी विधानसभा क्षेत्र है, इसके अध्यक्ष की उस क्षेत्र में आकर के घोषणा हुई है। दूसरा, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में दिल्ली में छठा ब्राह्मण युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम यमुना बिहार में होगा, उसकी औपचारिक घोषणा। वही 2019 के लिए ब्राह्मण एकता ने क्या तय करा है? नहीं, ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण के साथ है, ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ है जी, और उसका पूरी शक्ति के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में सहयोग किया जाए। जहां आरक्षण की आग लगी हुई है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आरक्षण की बात है, बार बार हमने अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने पहले भी
सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी और हम बार बार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू हुई थी, वो 10 वर्ष का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुका है जी, किंतु हम ये चाहते हैं यदि आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना ही है तो उसमें गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए ताकि समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुँच सके। आज आरक्षण का आप देखते हैं जो लोग IAS हैं, IPS हैं, जिनका इनकम का जो इनकी रेशियो है वो बहुत ऊपर है, लेकिन दूसरे समाज जो अनारक्षित अब समाज है उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। नोटा दबाने की जो बात चल रही है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए ये लोगों के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, बाकी यदि यही स्थिति रही जी भाई लोग की बात नहीं सुनेंगे तो लोग इस बात के लिए सोच सकते हैं। क्या अब तक सुनी गई है इन 4.5 सालों में? नहीं, 4.5 वर्षों में क्या, मैं तो पिछले 70 वर्षों की बात करें तो 70 वर्षों में भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। आज कार्यालय का भी उद्घाटन आप लोगों ने किया है बलवीर नगर में जी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जोड़ने के लिए और नए नए? मैं भाई मुकेश जी को आज की मीटिंग बुलवाने के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, और उनको जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी को वो निसंदेह निभाएंगे, समाज को एकत्रित करके कार्य के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे और आगे भी रहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग के बारे में? मीटिंग नहीं थी बेसिकली, आज अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त या मनोनीत कहूँगा मैं मुकेश भाई मुकेश गौड़ जी को आज मनोनीत किया गया है बाबरपुर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, और उनके निवास स्थान 60 फुटा रोड पे ब्राह्मण महासभा का कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है, जो हमारे प्रांतीय महासचिव श्री BD शर्मा जी के करकमलों के माध्यम से हुआ है, और भविष्य की कुछ योजनाएं ब्राह्मण महासभा ने अपने सामने रखी हैं, ब्राह्मण समाज के सामने संगठित करना है, देश के लिए काम करना है, देश के लिए किस तरीके से ब्राह्मण समाज काम कर सकता है, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है विस्तार से। 2019 के लिए क्या तैयारी कर रखी है ब्राह्मण समाज? मुझे लगता है ब्राह्मण समाज ने हमेशा से ही भारतवर्ष के लिए काम किया है, समाज के उत्थान के लिए काम किया है, 2019 हो, 18 हो, 17 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्राह्मण समाज ने हमेशा भारतवर्ष के लिए काम किया है, और जो भारतवर्ष के लिए अच्छा और उपयुक्त होगा मुझे लगता है ब्राह्मण समाज उसके साथ ही होगा। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे आज की इस सभा के बारे में? देखिए आज सबसे पहले तो मैं मुकेश गौड़ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनको ब्राह्मण समाज ने आज जिम्मेदारी दी है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी की बात आती है तो ब्राह्मण समाज ने सदैव भारत की अस्मिता, भारत की आन बान शान के लिए संघर्ष किया है, चाहे वो आज़ादी का समय हो या आदिकाल से का समय रहा हो या आज का समय हो जी, लेकिन अभी देखने में आया है कि कुछ स्वयंभू नेता, जातिवादी नेता, मैं उनको जातिवादी नेता कहूँगा जी, उनके अंदर कहीं भारतीयता की बात थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन जातीयता उनके अंदर भी हुई है, और जातीयता विद्वेष फैलाने में लगे हैं। ब्राह्मण समाज ऐसे लोगों का विरोध करता है, जातीयता का विरोध करता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज हिंदू समाज के अंतर्गत जितने भी जातियां हैं, जितने भी उपजातियां हैं जी, सभी का सम्मान करता रहा है। हमारा जो हिंदू धर्म का ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ रामायण है जी, रामायण के अंदर भी भगवान राम जिनको स्वर्ण जाति का कहा जाता है, लेकिन वो भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, और तमाम जो उसकी रचयिता हैं, चाहे वो वाल्मीकि जी हों, चाहे वो आचार्य तुलसीदास जी हों, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सदैव एक जातिगत संभाव, प्रेम भाव का उसके अंदर उल्लेख किया है। भगवान राम ने जहाँ भिलनी के जूठे बेर खाए हैं, वहीं केवट को उन्होंने एक तरीके से अपने लिए एक एहसान उनका माना है कि उन्होंने गंगा पार कराई। तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण समाज ने सदैव गरीबों का, वंचितों का, और जो जाति पिछड़ी जाति है उनका सम्मान किया, उनको कहीं भी नीचा या इस तरह का दिखाने की कोशिश नहीं की।
इसीलिए सरकार ने भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज कुछ जातिगत ताकतें हैं जो विद्वेष पैदा करना चाहती हैं, समाज में विद्वेष पैदा करना चाहती हैं। ब्राह्मण समाज इस चीज़ का पुरजोर विरोध करेगा और हमेशा सभी जातियों को लेकर साथ चलेगा। तब क्योंकि जब जाति सभी जातियाँ भारत जातियों में बटा हुआ देश है और जब सब जातियाँ इकट्ठी होंगी तभी भारत तरक्की कर सकता है। और भारत वर्षीय महासभा जो हमारी ब्राह्मण सभा है इसका भी उद्देश्य यही है। मदन मोहन वाली जी का उद्देश्य यही था कि वो सब भारतवर्ष की पूरे भारतवर्ष की भलाई के लिए सभी जाति को साथियों को जोड़कर चलें, उनको मान सम्मान दें। और ब्राह्मण समाज इस काम को बखूबी करता रहा है, आदिकाल से करता रहेगा। वो सभी जातियों को साथ लेकर चलेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। लेकिन अगर कहीं हमारे हिंदू धर्म के अंदर कहीं जातिगत विद्वेष फैलाने की कुछ तत्व कोशिश करेंगे तो उसका भी भारतीय उसका भी ब्राह्मण समाज भरपूर विरोध करेगा और एक संभाव लाने की कोशिश करेगा। शिक्षक साहब मैसेज क्या देना चाहेंगे एक होने के लिए? ब्राह्मण तो एक है, मैसेज क्या देना है? ब्राह्मण कभी अनेक हुए नहीं, ब्राह्मण तो हमेशा एक रहे हैं। ब्राह्मणों ने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो वे बट जाएं जी। ये तो कभी कभी कोई विचारधारा ऐसी आ जाती है कि लोग इधर उधर हो जाते हैं। बताओ अनिल जी बैठे हुए, हम बैठे हुए, भाई साहब देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, सब एक साथ हैं, हर विचारधारा के लोग आज एक साथ आप देख सकते हो। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो संसद और राज्यसभा में पहुँच गए और ब्राह्मणों के लिए मौन हो गए हैं? ब्राह्मणों के लिए मौन नहीं हुए जी। वो SC ST एक्ट की आप शायद बात करना चाहते हो तो उसमें मात्र ब्राह्मण ही नहीं है, अन्य और बहुत स्वर्ण लोग हैं, OBC के भी लोग हैं, लेकिन वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो मौन रहे हैं हमारे भाई जी, क्योंकि हमने चुनकर उनको भेजा है, वो बाहर से नहीं आए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के रहे हों, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन उन्होंने बहुत गलत काम किया है, उनको ये तो भुगतना पड़ेगा, मतलब आने वाले समय में 100% भुगतना पड़ेगा, जब वो किसी भी दल के रहे हों उनको भुगतना पड़ेगा। चाहेंगे आज आपके ही कार्यालय का उद्घाटन और ये सभा? सर्वप्रथम तो मैं जो है अपने बड़े भाई राधेश्याम कौशिक जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। बड़े भाई अनिल वशिष्ठ जी और हमारे बड़े बुजुर्ग कह लें ये DK शर्मा जी, जो कि ब्राह्मण समाज में कई वर्षों से लगे पड़े हैं, वो इन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार ही छोटा सा कार्यक्रम करने का बीड़ा उठाया मैंने, और इनका आशीर्वाद इनका सहयोग मिलेगा तो ही मैं अपने समाज के लिए कुछ इसको संगठित कर पाऊंगा। देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी सबसे पहले अभी मैंने जो शब्द बोले थे जी, मैं उन्हीं पर आता हूँ कि ब्राह्मण समाज अगर संगठित रहेगा तो इस देश की कोई ताकत नहीं है, चाहे वो राजनीति हो चाहे अदर बरादरी की हो, जो ब्राह्मणों को नीचा देखना पड़े। मगर बड़ी एक विनम्रता है हमारे ब्राह्मणों में। मैं राधेश्याम जी बैठे हैं, मैं आपकी बात का थोड़ा सा वो करूँगा कि ब्राह्मणों में यूनिटी क्यों नहीं बन पा रही, ये हमें अंदर से झांकना पड़ेगा जी। और हर ब्राह्मण से बात करनी पड़ेगी भाई क्या कारण है जो तुम ब्राह्मण समाज से नहीं जुड़ना चाह रहे। कुल मिला के घर घर जाना होगा, घर घर जाना होगा, और ये घर घर काम वही कर सकता है जो ब्राह्मणों की यूनिटी देखना चाहता है जी। और यूनिटी करने के लिए समय चाहिए, धन चाहिए, और सभी लोगों को जोड़ने में वो आदमी सक्षम हो वही आदमी ये काम कर सकता है। साथ में इच्छा शक्ति भी चाहिए, इच्छा शक्ति भी चाहिए। हमारे ब्राह्मण समाज शुरू से ही जब से देश आज़ाद हुआ है ब्राह्मण ही राज करता आया है, और आज क्या ऐसी नौबत आ गई कि हमारा ब्राह्मण समाज राजनीति स्तर पर बट गया, कोई BJP में हो गया, कोई कांग्रेस में हो गया, उनको पार्टी छोड़कर एक होना पड़ेगा कि भाई हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण कह लो, ब्राह्मण ही राज करता आएगा, राज करेगा और आगे करता रहेगा अगर हमारे में यूनिटी है तो, अन्यथा इसी तरह बिखरते रहेंगे।